तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैन कोड ईसीएस टीटन हंगरी लीग खेली जा रही है इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा और चौथा मैच जो कि खेला जाएगा देबेसरन वाइकिंग्स वर्सेज कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच में। तो दोनों ही टीम्स का भाई इस टूर्नामेंट में पहला मैच है और दोनों ही टीम्स के भाई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। अगर भाई आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो इजीली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। सबसे बड़ी बात जो इस मैच की मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर अगर बात करें जो अभी आखिरी मैच खेला गया था एक तरफा विनिंग आपके भाई ने यहाँ पर करवाई है। यहाँ पर एस खान की बात करें तो ये भाई बिल्कुल हमारे लिए जो मतलब बिल्कुल हमारे लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम किया। इसके अलावा के नंदी ने हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंशियल पिक का काम किया। एक तरफा विनिंग यहाँ पर आपका भाई आपकी करवा रहा है और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चलिए बात करते हैं मैच की डेट एंड टाइमिंग की। तो यहाँ पर भाई बात करें तो पहला मैच शाम को 4 बजे खेला जाएगा और दूसरा मैच शाम को 6 बजे। और अभी भाई 2:08 हो चुके हैं, ऊपर आप टाइम देख सकते हो। तो मैच अब से 2 घंटे मतलब 2 घंटे भी नहीं बचे, मैच की टाइमिंग अब 2 घंटे के भी अंदर आ चुकी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो अभी के अभी जाइए भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जाके भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पिच की अगर बात करें तो भाई बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। वेदर की बात करें तो वेदर भी भाई बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है, बारिश के चांसेस ना के बराबर यहाँ पर होने वाले हैं। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो भाई 97-110 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोबरा क्रिकेट क्लब की बात कर लेते हैं तो इनके स्टैट्स हमारे पास मिल गए। बाकी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनके स्टैट्स हमें नहीं मिले तो उनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, उनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा या फिर भाई मैं आपको बता दूंगा, कहीं ना कहीं मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है वहाँ से, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो भी भाई मैं टेलीग्राम पर ही आपके लिए अपडेट करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो विष्णु यादव 15 मैच में 75 रन 1 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। 15 मैच में 107 रन बनाए और 7 विकेट निकाले संजय कुमार ने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 100% आप ट्राई कीजिएगा। सत्यदीप अश्वथनारायणा की बात करें तो आप देख सकते हो 24 मैच में 232 रन प्लस 3 विकेट, गजब का प्लेयर है, 100% आपको ट्राई करना है। भवानी अदापाखा की बात करें तो 13 मैच में 10 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। वही अगर बात करें सतीश इनाकोटी की तो 10 मैच में 78 रन प्लस 9 विकेट, गजब का प्लेयर है, 100% आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा शेख राशिक की बात करें तो भाई कैप्टनसी का सबसे बेहतरीन दावेदार रहेगा, 9 मैच में 336 रन और भाई 10 विकेट, कैप्टनसी का सबसे बेहतरीन दावेदार आपके लिए यही रहेगा। रवि यादव की बात करेंगे 9 मैच में 41 रन 1 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। वहीं अगर बात करें आशुतोष माथुर की, अगेन भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में इजिली ड्रॉप कर सकते हो, 9 मैच में 6 रन और 2 विकेट। इसके अलावा जोगी सहगल की बात करें मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, इवन आप अपनी टीम में सीवीसी ट्राई कर सकते हो, 9 मैच में 223 रन प्लस 4 विकेट, गजब का प्लेयर है, मेरे हिसाब से 100% आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें श्रीनिवास मंडाली की तो 7 मैच में 4 विकेट है, एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर एज ए ट्रंप कार्ड आप इसे अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख सकते हो, अदरवाइज जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें हफीजुल्ला की तो 3 मैच में 21 रन प्लस 1 विकेट है, गजब का प्लेयर है, 100% आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर बात करें आपके लिए जो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे वो एक बार मार्क कर देता हूं, संजय कुमार को आपको ट्राई करना है, सत्यदीप अश्वथनारायण को आपको ट्राई करना है, इसके अलावा भवानी अदापक्का को आपको ट्राई करना है, सतीश इनागोटी को आपको ट्राई करना है, यहां पर शेख राशिक को आपको ट्राई करना है। तो ऊपर कितने प्लेयर हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर आपके लिए यहां से हो गए। थोड़ा सा अगर आप नीचे चलोगे तो भाई यहां पर आप 6th प्लेयर ट्राई कर सकते हो, जोगी सहगल। वहीं अगर बात करें यहां पर डीईवी टीम की तो यहां पर इनके स्टैट्स भाई हमें मिले नहीं, सिर्फ एक प्लेयर के स्टैट्स मिले ओनू रोजकल के, तो भाई इनके जो स्टैट्स है एक नीचे भाई साख अकीब के हमें स्टैट्स मिले, 3 मैच में 38 रन, यहाँ पर अगर बात करें 6 मैच में 19 रन। बाकी भाई प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार की रहेगी, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बाकी इनमें से जिस भी प्लेयर के स्टैट्स मेरे को मिलते हैं वो भी भाई मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। अगेन मैं आपको बता दूँ अभी हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। विकेट कीपिंग
सेक्शन की बात करें तो एस अश्वथार नारायण को हम अपनी टीम में रखेंगे, यहाँ से एस राशि हमारी टीम में रहेंगे, 101% हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा एच उल्ला को आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से अगर बात करें तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ आसिफ अहमद को। इसके अलावा जे सहगल हमारी टीम में 100% रहेंगे, यहाँ से अगर बात करें तो एस नाजीर को आप अपनी टीम में रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, एस मंडाली, एम उल हसन हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा टी हफीज हमारी टीम में रहेंगे। नीचे आके अगर बात करें तो यहाँ पर भाई अब्दुल अदीबुद्दीन को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से भाई एक बार मैं स्टेट्स एक बार फिर से चेक करता हूँ। यहाँ पर जो एस इनाकोटी आपकी टीम में होना चाहिए, इसके अलावा बी एडापका आपकी टीम में होना चाहिए, ऊपर से संजय कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आपके लिए जो जोगी सहगल को तो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से भाई अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई आप ट्राई कर सकते हो, आशुतोष माथुर को ठीक ठाक प्लेयर है। इसके अलावा बी एडापका हमारी टीम में 100% रहेगा। इसके अलावा ओ स्कूल को आप ट्राई जरूर से, ओनूर ओ स्कूल को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अरीब अजहर को आप अपनी टीम में रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो, या फिर ऐसी नाकोटी हमारी टीम में 100% रहने ही रहने वाले हैं यहाँ से। इसके अलावा भाई जो एक प्लेयर हमने मिस किया वो कौन सा है भाई, यहाँ से ऐसी नाकोटी हो गया, यहाँ से शेख राशिक हो गया, बी एडापका हो गया, यहाँ से संजय कुमार को हमने मिस किया है। संजय कुमार को भी आप जरूर से अपनी टीम में रख सकते हो अगर आपके पास, मतलब अगर आप चाहो तो एक प्लेयर यहाँ से डीईवी टीम का ड्रॉप करके संजय कुमार को आप अपनी टीम में रख सकते हो। संजय कुमार भाई आपको कहाँ पे मिलेगा, संजय कुमार भाई यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो भाई आप या तो यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में से किसी को ड्रॉप कीजिएगा, या फिर भाई आप बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से ड्रॉप, जैसे ओनू रोजकुल को आप ड्रॉप करके यहाँ से भाई आप संजय कुमार के साथ जा सकते हो। टीम की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार की रहेगी, बाकी अगर इसमें जो भी चेंजमेंट होते हैं उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। सीवीसी की यहाँ से बात कर लेते हैं तो भाई शेख राशिक 100% हमारे कैप्टन रहेंगे, जय सहगल हमारे वीसी रहेंगे, बाकी अगर आप चाहो तो आप सीवीसी अपने हिसाब से भी रोटेट कर सकते हो। अभी के लिए अगर बात करें तो भाई टीम हमारी कुछ इसी प्रकार की रहेगी, बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।